मेरा नाम सैयद अहमद शाह अब्दाली है और मैं तकरीबन 35 साल से आर्ट कर रहा हूँ। मैंने बन्नू में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 बन्नू से मैंने मैट्रिक किया था। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बन्नू से मैंने एफ ए किया। एफ ए करने के बाद फिर मैंने पेशावर से नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पेशावर से मैंने डिप्लोमा लिया स्कल्पचर में और मैं एक स्कल्पचर हूँ बेसिकली। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैं आर्ट का काम उस वक्त से कर रहा हूँ। मेरे उस्तादों में बन्नू के मशहूर इस्माइल बाबर उस्ताद हैं मेरे, जो कि बहुत बड़े ट्रक आर्टिस्ट हैं, और मैं एक तरह से पोता शागिर्द हूँ सैयद इकबाल का। सैयद इकबाल के उस्ताद थे एम एम शरीफ पेशावर के, जिन्होंने किताबें की किताबें की। बचपन से मेरी राइटिंग अच्छी थी और मेरे जो ड्राइंग के टीचर थे वो काफ़ी उनकी तरफ से मुझे अप्रिसिएशन मिलती थी। इसलिए मैं फिर आर्ट का काम करता गया। मैंने वाटर कलर से भी जो है ना पेंटिंग बनाई, ऑयल पेंटिंग से बनाई। इस्माइल बाबर उस्ताद से मैंने स्केच सीखा और स्केच सीखने के बाद मैं बनाता था, लेकिन ये जो वुड आर्ट का काम है मैं इटली के शहर मिलान में गया था। वहाँ मैंने 8 महीने गुजारे। वहाँ मेरा जहन में यही था कि दुनिया में कोई ऐसा काम किया जाए जो बिल्कुल यूनिक थे। तो मिलान में जो वुड आर्टिस्ट थे इटली के, उनको मैंने देखा काम करते हुए। तो अभी तक आपने उस लकड़ी में स्कल्पचर्स वगैरह देखे होंगे और स्टैचूज वगैरह देखे होंगे, और ये जो कार्विंग का काम था ये अब तक तो पाकिस्तान में सिर्फ अलमारियों में और खिड़कियों में चलता था। तो मेरे जहन में ये था कि कोई यूनिक काम शुरू किया जाए। तो आपने कैनवस के ऊपर आपने फेस बनाते हुए पोर्ट्रेट्स वगैरह देखे होंगे, उसमें आर्टिस्ट के पास ऑप्शन होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, वो उसके जो टोन कलर्स हैं वो उसमें शो करता है। जैसे कि आर्ट का एक बेसिक जो है ना वो दो बेसिक कलर्स होते हैं, जैसे डार्क है और लाइट है। आप डार्क से लाइट की तरफ चलते हैं, एक सफ़र होता है, उसके दरमियान में मिडल टोन्स आते हैं जिसमें आप मिडल टोन्स बनाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है, मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ तक वुड आर्ट का ताल्लुक है उसमें अब तक कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं था। तो उसका मैंने ये हल निकाला कार्विंग के जरिए कि डार्क इंटू डीप और लाइट इंटू स्लाइट। ये मैंने ये डीप कार्विंग और स्लाइट कार्विंग ये दो तो आ गई मेरे पास, लाइट और डार्क। उसके दरमियान में जो बिटल टोन्स हैं वो मैंने डॉट कार्विंग से और सेंडर से इसका हल निकाला। तो जब मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो माशाल्लाह ये कामयाब हुआ। इससे अब तक मैंने हज़ारों की तादाद में पोर्ट्रेट्स बनाए। लोग मुझे जो है वो डिमांड भी दे रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए। मैं अमूमन ये कि मेरे पास और इस्लामिक कैलीग्राफी जो है वो रोमन और कोशिश जो है वो डिज़ाइनिंग करता हूँ, बिल्डिंग वगैरह के लिए 3D बनाता हूँ। और ये कि वुड में जो भी काम होता है नेचुरल वुड के ऊपर, मेरे काम में और पायरोग्राफी में फ़र्क है। पायरोग्राफी जो है आर्टिफिशियल वुड के ऊपर होती है, जिस तरह आसानी है या प्लाई वुड है, लेकिन मैं नेचुरल वुड के ऊपर करता हूँ। तो नेचुरल वुड के ऊपर पायरोग्राफी नहीं हो सकती। तो पायरोग्राफी से ज़्यादा देर पर पायरोग्राफी एक नॉन परमानेंट चीज़ है, जबकि ये जो मेरा काम है ये कार्विंग है, इसमें डीप कार्विंग स्लाइड कार्विंग सारी, क्योंकि स्लाइड कार्विंग भी होती है इसलिए ये एक परमानेंट चीज़ है। लकड़ी को हम ट्रीट इस तरह करते हैं कि ये ख़राब नहीं होती और ये लगी रहे घर में, तो इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस होती है, जिस तरह वार्निश वगैरह या वो कर लिया अपने लेकर, तो ये परमानेंट एक चीज़ बन जाती है। आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में मेरी शॉप है और माशाल्लाह ये अच्छी जगह है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनकी तरफ से काफ़ी हमें सपोर्ट भी है और इन्होंने हमें अच्छी फैसिलिटेशन वगैरह भी दी।
अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन माशाल्लाह काफ़ी हमारे साथ दावत कर रही है और हमें उन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है, बहुत अच्छी शॉप्स वगैरह हैं। और इसके अलावा पिछली गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं दिया आर्टिस्टों को इस तरह की, लेकिन माशाल्लाह ये पीजीआई गवर्नमेंट जो है ये बहुत सपोर्ट कर रही है आर्टिस्टों को, टूरिज़म को भी सपोर्ट कर रही है, आर्टिस्टों को भी सपोर्ट कर रही है, और इससे हमें काफ़ी उम्मीदें वापस आए, आर्टिस्टों के लिए बहुत कुछ करेगी।